आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। और हाइपरटेंशन की बात कीजिए कि हाइपरटेंशन क्या है, तो हम कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। जैसे हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स है जिसके साथ जो है ब्लड पुश करता है आर्टरीज की वॉल को, जब वो उसमें से फ्लो कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। और अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए वो 120/90, जब उससे ज़्यादा हो जाता है और तो हम क्या कहते हैं कि कौन सी वाली कंडीशन है, हाइपरटेंशन की। तो हम देखेंगे कि उससे किस तरह से प्रिवेंशन मतलब बचा जा सकता है और उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी वेट, मतलब ये कि अगर एक्सरसाइज की जाए और अपने वेट को मेंटेन किया जाए तो उसकी क्या हो सकता है कि वो हमें बचा सकता है हाइपरटेंशन से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगर हेल्दी फूड लिया जाए और ऐसा फूड लिया जाए जिसमें कि लो सॉल्ट है, इसके अलावा ऐसा फूड लिया जाए, ऐसी डाइट लिया जाए जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हो, तो फिर क्या होगी, वो भी एक प्रिवेंशन है हाइपरटेंशन से। इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट की बात करें तो अगर हम अपनी डाइट में शुगर और जो टेबल सॉल्ट है मतलब ये कि जो नमक है, अगर उसकी मिकदार को कम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं इन रिड्यूसिंग हाइपरटेंशन, मतलब ये कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। अब अगर हम साथ में देखें कि इसके प्रिवेंशन के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि सिगरेट या अल्कोहल का जो इनटेक है वो कम से कम, बल्कि उसको स्टॉप कर देना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सोडियम इनटेक है मतलब ये कि जो नमक है वो कम से कम लेना चाहिए डाइट में। इसके अलावा हम देख रहे हैं इस नमक के साथ साथ लेस शुगर इनटेक होना चाहिए, एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा जो फूड है वो कौन सी वाली लेनी चाहिए जिसमें फैट्स की मिकदार कम से कम हो। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देख रहे हैं कि हमें कौन सी वाली डाइट लेनी चाहिए, डाइट वो वाली लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वो वाली डाइट जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उसका इनटेक होना चाहिए और जिसमें फैट्स हैं वो कम से कम लेनी चाहिए। अब अगर हम साथ में देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम ऐसी डाइट लें जिसमें क्या हो, कैल्शियम का इनटेक ज़्यादा हो, तो फिर उससे क्या होगा, थ्योरेटिकली ये देखा गया है कि कैल्शियम का जो इनटेक है अगर वो ज़्यादा हो तो वो काउंटरेक्ट करता है सोडियम के साथ, मतलब वो क्या करता है, काउंटरेक्ट द इफेक्ट ऑफ सोडियम। अब फर्दर हम देखते हैं कि वो किसके ऊपर एक्ट करता है, वो एक्ट करता है किडनी के ऊपर ताकि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करे। अब अगर हम ये बात करें कि इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे डिक्रीज होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर सोडियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, जैसे कि NaCl की बात करते हैं कि अगर NaCl बॉडी में ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगी। वाटर रिटेंशन की बात करें कि फर्दर फिर उसकी वजह से क्या होता है, एक हम कह रहे हैं कि सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे डिजिटलिस कहा जाता है, डिजिटलिस लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है और उसके रिलीज होने की वजह से हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब ये कि बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है, उनकी जो सलाहियत है, और या फिर हम कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, जब वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार ऊपर देख रहे थे जब प्रिवेंशन की बात कि हमारी डाइट में NaCl की मिकदार जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अब अगर हम फर्दर बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर सवियर केसेस हो जाए, मतलब ये कि अगर हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेडिसिंस जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। और मेडिसिंस कौन सी वाली रिकमेंड की जाती हैं, उसमें हम देखते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिंस जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर वर्ड एंटी की बात करें तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट, और हाइपरटेंसिव क्या है कि हम कौन सी वाली मेडिसिन दे रहे हैं हाइपरटेंसिव के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में।